तो अलग नज़ारा है इस बार जगन्नाथ पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का। पहले हम देखते थे कि बड़ी तादाद में श्रद्धालु होते थे, लेकिन आज ऐसा मौका है जिस समय कोविड-19 से बचाव के चलते जो श्रद्धा है श्रद्धालुओं की वो अलग रूप में दिखाई दे रही है। वो हमें नज़र आ रहा है कि वहाँ पर ज़्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं होने दी गई है और लोग भी श्रद्धालु भी अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं। बेहद अहम रोल उनका भी जो घरों में रहकर इस रथ यात्रा का आनंद ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बाद यहां भगवान जगन्नाथ अपने भाई बहन के साथ रथ पर सवार होकर मौसी के घर के लिए निकल पड़े हैं। भगवान जगन्नाथ के रथ का नाम है नंदीघोष, भगवान बलभद्र का तालध्वज और देवी सुभद्रा अपने दर्प दलन रथ पर सवार हैं। हालांकि कल सुप्रीम कोर्ट की ओर से यात्रा निकालने के आदेश के बाद ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने माना कि कोविड महामारी के बीच रथ यात्रा निकालना बड़ी चुनौती है और उन्होंने उम्मीद जताई कि इस महोत्सव में हिस्सा लेने वाले सभी श्रद्धालु कोरोना संकट के इस दौर में लागू सभी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करेंगे। रथ यात्रा से पहले तैयारियों की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने पुलिस और प्रशासन को कई जरूरी निर्देश दिए हैं। पुरी में सोमवार रात 9 बजे से बुधवार दोपहर 2 बजे तक कर्फ्यू जैसा बंद रहेगा। बहरहाल कोविड-19 संकट के बीच ऐतिहासिक रथ यात्रा का जश्न मनाया जा रहा है। 9 दिन के इस त्योहार में सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। पुरी के लोगों से अपील की गई है कि वो यात्रा देखने के लिए घर से बाहर निकलने से बचें, बल्कि टीवी पर यात्रा देखें। वहीं राज्य के अन्य हिस्से के लोगों से आग्रह किया गया है कि वो पुरी में समुद्र की तरफ वाले इलाके की ओर ना जाएं। पुरी में सभी एंट्री पॉइंट्स बंद हैं और यात्रा से जुड़ी तैयारियों वाली गाड़ियों को छोड़कर किसी और गाड़ी को आवागमन की इजाजत नहीं है। लोगों का पार्टिसिपेशन डायरेक्टली नहीं है, आपके टीवी चैनल के थ्रू आपके पास है अपॉर्चुनिटी कि आप यात्रा का आनंद उठा सकते हैं और ये पेंडेमिक के कारण कोरोना के कारण यहाँ लोगों का आना ठीक नहीं है, इसलिए ये व्यवस्था की गई है। यहाँ एक एडिशनल डीजी लॉन्डर जो श्री सौमेंद्र प्रियदर्शी हैं वो इसके ओवरऑल चार्ज में हैं और तीनों रथों का जैसे ट्रेडिशनली किया जाता है कि एक एक सीनियर ऑफिसर एक एक रथ के चार्ज में रहते हैं, तो DIG यहाँ के जो सेंट्रल रेंज के DIG हैं आशीष, वो चार्ज में हैं जगन्नाथ रथ के और बाकी दोनों रथों के चार्ज में हैं SP यहाँ के जो पूरी के SP हैं।